नमस्कार, मैं प्रीति चंद्रा, सिटी वैम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए पेश है सहारनपुर के कुछ खास समाचार फटाफट न्यूज में। कक्कड़गंज बाजार कपड़े की दुकान में चोरी का सिटी कोतवाली पुलिस ने किया सफल अनावरण, दो चोर गिरफ्तार। बेहट रोड स्थित बालाजी धाम में बाबा संकट मोचन महादेव का हुआ रुद्राभिषेक। राजेश आर्या ने सिखाए जेवीजन छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर। गंगोनगर पालिका परिषद अधिकारियों ने की आवासों की जांच। ITC वर्कर्स यूनियन का चुनाव संपन्न, नव नियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर किया स्वागत। जमालपुर में हुआ शिव महापुराण कथा का विश्राम। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ से जुड़े कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। सिटी वैब न्यूज चैनल में समाचार फटाफट के बाद अब देखिए सहारनपुर के समाचार विस्तार से। कक्कड़गंज बाजार में कपड़े की दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो शातिर चोर ज्योतिलाल और करण को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। नगर कोतवाली में SP सिटी विनीत भटनागर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून की रात चोरों ने कृष्णलाल बजाज की कपड़े की दुकान को निशाना बनाते हुए गल्ले में रखे करीब 10 लाख रुपए चुरा लिए थे। आरोपी दुकान के जंगले और जाली को काटकर अंदर घुसे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेश पाल गिरी के नेतृत्व में गठित टीम ने कक्कड़गंज के पास ही गोविंद अतार तिराहे से 2 आरोपियों को पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से एक एक छुरी बरामद हुई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ये बजाज साहब के यहाँ पे 2 जून को घटना हुई थी, जिसमें उनकी ग्रिल तोड़ करके उनके दुकान से चोरी करी गई थी, आपको जानकारी होगा। उसका आज कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। 2 अभियुक्त जो इस घटना में शामिल रहे, उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों के कब्जे से 1-1 लाख रुपए यानी कुल 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जो तीसरा अभियुक्त है, उसके नाम के बारे में जो है छानबीन करी जा रही है। इस प्रकार से ये काफ़ी लगभग 2 महीने से जो है पेंडिंग चली आ रही थी, और इसमें पुलिस का काफ़ी रिसोर्सेज इसमें लगे हुए थे, तो इसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। बेहट रोड स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम में बाबा संकट मोचन महादेव का रुद्राभिषेक एवं 51 पार्थिव शिवलिंग की पूजा की गई। श्री बालाजी धाम के संस्थापक अतुल जोशी महाराज के सानिध्य में आचार्य अजय किरण नंदन, आचार्य शुभम कौशिक, प्रमोद वरिष्ठ, आचार्य मोहित कौशिक, आचार्य शुभम अत्री द्वारा मंत्रोच्चार के साथ बाबा संकट मोचन महादेव का रुद्राभिषेक व भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर अतुल जोशी जी महाराज ने कहा कि भगवान महादेव आदि व अंत के स्वामी हैं, थोड़ी सी उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देते हैं। इस अवसर पर चंद्र प्रकाश शर्मा, सतीश कुमार, प्रमोद महेश्वरी, वीरेंद्र सिंह, कमल शर्मा, राकेश काटपाल, पुनीत अनेजा, वीरेंद्र सैनी, प्रणव गोयल, अनिल सैनी, बबलू धर्मपाल, दीपक सहगल आदि मौजूद रहे। सहारनपुर के गंगो में नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी कृष्ण मुरारी, RI हरपाल सिंह एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मोहल्ला गुजरान में आवासों की जांच करने पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवासों को चिन्हित करने का काम जारी है। इसी को लेकर आज गंगो नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी कृष्ण मुरारी, RI हरपाल सिंह एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मोहल्ला गुजरान में आवासों की जांच करने पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वालों की फाइलों के आधार पर अपात्र लोगों की फाइल निरस्त कर दी गयी। EO कृष्ण मुरारी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत हम हर दरवाजे पर पहुंचकर उचित लोगों को इसका लाभ देने का काम कर रहे हैं। पूरी नगरपालिका टीम जनता की हर समस्या के निस्तारण के लिए हर समय उपलब्ध है। ITC के मल्टीपर्पज हॉल में अशोक कुमार बर्मन की अध्यक्षता में सिगरेट वर्कर्स यूनियन का चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हो गया। आनंद कुमार मिश्रा की अगुवाई में 26 जुलाई व 28 जुलाई को अलग अलग जगहों पर हुई मीटिंग में 36 डेलीगेट चुने गए। आनंद मिश्रा ने एजेंडा नंबर 1 के तहत मीटिंग की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए बोर्ड का गठन सर्वसम्मति से किया गया। इस दौरान यूनियन का अध्यक्ष ब्रजेश कुमार, महामंत्री सुदेश कुमार व कोषाध्यक्ष मोहम्मद शकील को चुना गया। सभी चुने गए पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मैं मोहम्मद शकील, साथियों, सिगरेट वर्कर्स यूनियन का चुनाव, त्रैवार्षिक चुनाव 25 को सम्पन्न हुआ, उसके बाद 28 को कमेटी गठित हुई, उसमें चयनित हमारे सभी साथी सम्मानित हैं, लेकिन 3 साथी जो हमारे अध्यक्ष हैं ब्रजेश जी,
और कोषाध्यक्ष मोहम्मद शकील और सेक्रेटरी सुदेश कुमार जी चुने गए, बाकी पूरा बोर्ड है। तो बड़े सुखद माहौल में हमारा चुनाव संपन्न हुआ और हमारी प्रभु से अल्लाह से यही दुआ है कि हमारा यहाँ फैक्ट्री परिसर में एक अच्छे माहौल में हमारा कार्यकाल रहे और मजदूरों के हितों में हम काम करते रहें। देहरादून रोड स्थित ग्राम जमालपुर में श्री शिव महापुराण के विश्राम पर स्वामी कालेन्द्रानंद जी महाराज ने कहा कि शिव ही सृष्टि के कल्याण करने वाले हैं। नियमित रूप से शिव की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी कालेन्द्रानंद जी महाराज ने कहा कि शिव परम गुरु तत्व है। समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रतन सिंह, सीताराम, टीटी सिंह, सुखबीर सिंह, पूरन सिंह, रामशरण, नीरज कश्यप, सुनील, सूरज, सुदेश, बबीता, सुमन, वर्षा, किरण, कविता आदि मौजूद रहे। जेवी जैन कॉलेज में बालिका सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करियर काउंसलिंग सेल के माध्यम से कराए गए कार्यक्रम में विंग चुंग कुंग फू ग्रैंड मास्टर राजेश आर्य व कराटे कोच निशांत गुप्ता ने छात्राओं को आत्मरक्षा के टिप्स दिए। दोनों प्रशिक्षकों ने प्रयोगात्मक तरीके से सुरक्षा के उपाय बताए। वरुण सिंह ने कथाओं के माध्यम से छात्राओं को निडर होने का प्रण कराया। जिला प्रोबेशन कार्यालय से आए राजकमल एवं अभिषेक कुमार ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना में बाल सम्मान कोष के बारे में बताया। कार्यालय का संचालन डॉक्टर ममता सिंघल ने किया। इस अवसर पर अभिषेक, डॉक्टर इंदु शर्मा, डॉक्टर योगिता, डॉक्टर शैली, मिस ऋचा गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस दौरान प्राचार्य बकुल बंसल का विशेष सहयोग रहा। आज हम लोग महिला कल्याण विभाग की ओर से यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। सभी अधिकारी वर्ग हमारे बीच में हैं और सभी ने जो है महिलाओं संबंधी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन पर प्रकाश डाला। सभी योजनाओं के विषय में छात्राओं को और शिक्षिकाओं को बताया और हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाया बच्चों को। बच्चों ने बड़ा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागा है और हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ से जुड़े कर्मचारियों ने हकीकत नगर मैदान में धरना दिया। इस दौरान प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारियों ने डीएम को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। मांग पत्र में कहा कि अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करते हुए द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की जाए, मृतक आश्रितों को विभागीय सेवा में शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए, कृषि स्नातक यथावत रखी जाए, कृषि प्राविधिकों का उत्पीड़न व जबरन वसूली बंद की जाए, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक वर्ग तीन के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पदों का सर्जन आदि अनेक मांगों के समाधान की मांग की गई। इस अवसर पर देशपाल सिंह, अमरपाल सिंह, सीपी सिंह, अशोक मलिक, परमेश कुमार, रविंदर कुमार, दीपक कुमार, वीरेंद्र मलिक, ब्रह्मपाल सिंह, विमल चौहान, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। अभी 25 तारीख को हमारा धरना कृषि भवन लखनऊ था। धरना बहुत अच्छा रहा, वार्ता डायरेक्टर साहब से भी वार्ता विफल रही। उसके बाद ये हर जिले में आज 31 तारीख को मेन मांग हमारी है कि जो अनितिपूर्ण ट्रांसफर किए गए हैं वो निरस्त किए जाएं, वेतन विसंगति दूर की जाए और ये राज्य के कृषि बीज भंडारों में जो बीज बचता है, जो प्राविधिक सहायकों पर लाद दिया जाता है, उसकी कोई मौलिक नीति बनाई जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो 22 अगस्त को कृषि भवन लखनऊ पर हमारा विशाल धरना प्रदर्शन 22 अगस्त को। सिटी वैम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें।